हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। पंजाब पीसीएस की प्रैपरेशन जो तुहाडी मदद करन लई सिद्धि पंजाब फिर तो हाजिर है। सो टुडे अज आपां डिस्कस करांगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे। बहुत सारे बच्चे सानू मैसेज करके एलिजिबिलिटी बारे जानना चाहते हैं कि एज लिमिट्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सो इस वीडियो आप डिटेल्ड कैटेगरी वाइज वो डिस्कस करांगे। बट अगे वधन तो पहला अगैन मैं कहना चाह रही हाँ कि साडा मेंटरशिप प्रोग्राम तुहाडे लई ऑलरेडी चल रहा है, जिन्हों असी करना कैसे है प्रोग्राम का नाम दिता है। सो ईजी टर्म चो तुहानू समझाने लई मैं मेंटरशिप प्रोग्राम बारे थोड़ा जा दसांगी। इत्थे तुसी सारे लोग जिहड़े है सालां तों तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट एग्जाम्स होन, कई लोग यूपीएससी पीपीएससी की कंबाइंड तैयारी कर रहे ने, कई सिर्फ पीपीएससी की ही तैयारी कर रहे ने। सो बहुत सारी चीज़ां हुंदियां है अपार्ट फ्रॉम जनरल जीएस कोचिंग जिहड़ियां कि तुहानू नहीं पता हुंदियां। तुसी न्यूज़पेपर ते 3 घंटे 4 घंटे पढ़न ते ला दिंदे हो, फिर भी कुछ सबटेंटिव उस चो नहीं कढ़ पाउंदे। तुसी बुक्स जिहड़ियां पढ़ते रहने हो फिर भी दिमाग विच रिटेन नहीं रहिंदियां। तुसी इन्ना पढ़ते हो स्टिल तुहाडे मार्क्स नहीं आते वैन यू ट्राई टू अटैम्प्ट दी टेस्ट सीरीज। और मैनी पीपल तो यह जिहे ने जिहड़े कभी नोट्स ही नहीं बनाते। देर आर मैनी स्टूडेंट्स हू कम एंड मीट मी एंड कहणगे कि असीं 1.5 साल तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वैन आई आस्क दैम कि नोट्स कुछ बनाए ने, कैन यू शो मी योर नोट्स, दैन दे रिप्लाई कि नोट्स तो असीं हजे कभी बनाए नहीं। राइट, सो देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत सारे डीमोटिवेशन लो फेजिस भी आते हैं, फिर स्केड्यूल किवें बनाना है, तुसी किवें आपकी स्टडी नू स्केड्यूल्ड रखो, स्पेशली जब पीसीएस जिहड़ा है ना इरेगुलर एग्जाम है, तो किवें तुसी इहनू बाकी एग्जाम नाल मैनेज कर सकते हो। ऑल द नीटी ग्रिटीज ऑफ द सिविल सर्विसिज एग्जामिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड सिर्फ डिस्कस ही नहीं करांगे, वी विल इनेबल यू टू डील विद, टू गेट सोल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। राइट, जिवें कि मैं आपके वट्सएप पर भी तुहानू स्टेटस जिहड़े लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन्होंने देख लिया होएगा, तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं पतला होने का या बॉडी बनाने का, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स यूट्यूब तो देख देख के ट्राई करते हैं। राइट, बट क्या एवरीवन गेट्स रिजल्ट्स? No, people who get a dedicated gym trainer or a dedicated nutritionist, they are the ones who are able to manage their body shape. Right? So, उन्हां दा रोल क्या हुंदा है? बेसिकली दीज ट्रेनर्स दीज न्यूट्रिशनिस्ट ओ तुहाडे हर एक बंदे दी कल्ले कल्ले बंदे दी नीड्स देखदे है, कमियां देखदे है, इशूज देखदे है, तुहाडे उत्ते डंडा भी रखदे ने, सो दैट यू फॉलो वट इंस्ट्रक्शन दैट दे आर गिविंग। राइट, सो ओही सब तुहाडा इस प्रोग्राम विच होण वाला है। आई विल बी योर यूपीएससी या पीपीएससी कोच, योर सिविल सर्विसेज कोच। आई विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द इशूज, आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, एंड देन आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट यू फॉलो एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग। राइट, आई हैव अचीव्ड अ रैंक, आई कैन हेल्प यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई डिड राइट, दैट प्रूव्ड राइट फॉर मी, दैट यू कैन इंप्लीमेंट एंड गेट रिजल्ट्स। राइट, सो बहुत ज्यादा सोचो ना, ट्राई टू यू नो चेक द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट एट अस एट 8837604500। राइट, इन नंबर भी तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जाना है। शुरू करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे जानने बारे। सब तो पहला एज के बेस से क्या लिमिट्स, क्या यू नो रिस्ट्रिक्शंस है। सब तो पहला जनरल कैटेगरी के बच्चों की गल कर रहे हैं। इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपकी एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। कोई भी बंदा है जो एग्जाम लिख रहा है, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी ही होनी चाहिए है। राइट, जनरल कैटेगरी ली मैक्सिमम एज डीएसपी ली 28 ईयर्स होंगी है। राइट, सो 28 ईयर्स की एज तक तुसी जिस ईयर च एग्जाम हो रहा है, जिस ईयर च नोटिफिकेशन आई है, उस ईयर तो कैलकुलेट हुंदी है। एग्जैक्टली तुहानू पता चल जाएगा जो इस साल की नोटिफिकेशन आएगी। सो उत्थों कैलकुलेट करके 28 ईयर्स तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर तुसी डीएसपी दिया पोस्टा भरना चाह रहे हो। राइट, नाउ इस तो बाद अगर तुसी नॉन डीएसपी पोस्ट लई अप्लाई कर रहे हो, देन मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है जनरल कैटेगरी लई भी, एंड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स टोटल 6 है जनरल कैटेगरी लई। राइट, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, 21 मिनिमम 37 मैक्सिमम फॉर ऑल पोस्ट अदर देन पुलिस सर्विसेज।
पुलिस नू छड़ के 37 है, बट इफ यू वांट टू अपीयर फॉर डीएसपी ऑल्सो देन 28 इज योर एज लिमिट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट दैट यू कैन टेक इज 6, राइट? दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी. अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉयज की गल करिए, अगर तुसी पंजाब गवर्नमेंट लिए काम कर रहे हो, किसी होर स्टेट गवर्नमेंट लिए काम कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट दी किसी कंपनी विच बोर्ड कोऑपरेशन या पीएसयू विच काम कर रहे हो, कहने का मतलब है तुसी गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, दैन तुहाडे लई अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स. ठीक है, 21 ईयर्स तो लैके 45 ईयर्स तक तुसी एग्जाम दे सकते हो, बट there is no age relaxation for police services again. तो अभी भी अपर एज है 28 years for police services. ठीक है, अगर तुसी DSP वगैरह लगना चाहते हो then अपर एज is 28 for you. But बाकी सारी पोस्ट लई जिवें कि STM, BDO, अदर पोस्ट, फूड इंस्पैक्टर, लेबर इंस्पैक्टर, जो सब ये अंदर आंदियां है पंजाब एग्जैक्टिव की भर्ती के अंडर, वो 45 years तुहाडी मैक्सीम एज यू कैन गो टू. ठीक है जी, गवर्नमेंट इंप्लॉयज ले. आओ थर्ड कैटेगरी की आप गल करते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब. अगर तुसी पंजाब स्टेट विच SC या BC हो, राइट, तो तुहाडी अपर एज लिमिट क्या है? तो देखो, इन केस ऑफ पुलिस सर्विस, अगर तुसी DSP वगैरह लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो अपर लिमिट है 33 ईयर्स. जनरल वाले की 28 है, तुहाडी 33 है. 33 तो उत्ते तुसी पुलिस सर्विसिज नहीं ज्वाइन कर सकते पंजाब दियां, राइट? नॉन पुलिस सर्विसेज ली तो आड़ी अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स. ठीक है, जनरल कैटेगरी ली 37 है, तो आड़े ली इट इज 42. ऑल अदर SDM, BDO, ETO, एवरीथिंग एल्स इज 42 ईयर्स. ठीक है, ये शेड्यूल्ड क्लास्ट ते बैकवर्ड क्लासेस ली है एज रिलैक्सेशन. ठीक है, याद रखना है. फोर्थ कैटेगरी आ गई एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल. जेडे एक्स सर्विसमैन पंजाब डोमिसाइल दे है उन्ना वास्ते एज रिलैक्सेशन है, राइट? इन कैलकुलेट करन दा थोड़ा डिफिकल्ट जा मेथड इन्होंने दिता होया है. डिडक्ट दी ड्यूरेशन ऑफ दी सर्विस, डिडक्ट दी ड्यूरेशन ऑफ योर सर्विस फ्रॉम योर एक्चुअल एज, राइट? ते सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. लेट्स से कि तुहाडी अज एज है 40, एंड लेट्स से कि तुहानू किन्ने साल हो गए, ड्यूरेशन ऑफ योर सर्विस क्या है 10 ईयर्स. ठीक है जी, सो दी अज दी एज है 40, सो द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 10, सो 40 - 10 इज इक्वल टू 30. ठीक है जी, ए एज बन गई. नाउ दिस एज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 ईयर्स दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर यू नो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट कैटेगरी है वुमेन, वुमेन हु आर विडोज, वुमेन हु आर डायवोर्स्ड, और कोई होर कैटेगरी भी वुमेन है, उन्हां लई अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स अगेन. ठीक है, तो पुलिस सर्विसेज लई तुहाडे कोल कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, बट बाकी सारी सर्विसेज लई 42 ईयर्स तुहाडी अपर एज लिमिट है. तो लास्ट कैटेगरी है साड़ी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, जिदे लई यू नो रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है. पंजाब स्टेट दे जिहड़े फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग है उन्हां दी अपर एज लिमिट है 47 ईयर्स, अगेन नॉन पुलिस सर्विसेज लई. ठीक है जी, तुसी खुद समझो कि पुलिस दी अगर तुसी करना चाहते हो सर्विस, तो फिजिकल फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? पुलिस जेड़ी है वो फील्ड जॉब है, काफी इंटेंसिव जॉब है, दैट कैनॉट बी यू नो दैट कैनॉट वर्क विदाउट फिजिकल फिटनेस. इसे लई उस विच जेड़ी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है एज लिमिट दी, बट अगर तुहाडी बाकी सारी सर्विसेज लई तुसी अप्लाई करना चाहते हो तो काफी ज्यादा एज तुहानू दित्ती गई है, राइट? ये तो एज नाल रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हो गई. हुण अगर होर कोई कैटेगरी बची है EWS वगैरह, उन्हां वास्ते कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब तुसी जनरल कैटेगरी वाले रूल्स विच ही फॉल करोगे. जो जनरल कैटेगरी दी लिमिट्स है उही तुहाडी EWS या अदर कैटेगरीज दी लिमिट्स होणगीआं, राइट? नाउ इस तों बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी है. तुहाडी मैट्रिकुलेशन हो जानी चाहीदी है, 10th पास होने चाहिए हो तुसी इफ यू वांट टू राइट दी प्रीलिम्स. अगर तुहाडी 10th भी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स भी नहीं लिखन देंगे तुहानू, राइट? तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर प्रीलिम्स है. मेन्स दे लई जिहड़ी कि सैकेंड स्टेज है उहदे लई तुहाडी ग्रैजुएशन होनी चाहीदी है. देखो, अगर तुसी प्रीलिम्स लिख रहे हो उस टाइम ते तुहाडी ग्रैजुएशन हजे नहीं हुई, देन यू विल बी अलाउड टू राइट प्रीलिम्स. ठीक है, बट मेन्स आन तो पहला तुहाडी ग्रैजुएशन हो जानी चाहीदी है, राइट? सो ये मेक श्योर करना है.
राइट। ना हूँ ग्रैजुएशन भी देखो 3 ईयर मिनिमम ग्रैजुएशन चाहिए है, मतलब बीए के कोर्सेज तुहाडे होण या बीटेक जिहड़ी कि 4 साल की होंगी है, मिनिमम 3 ईयर तक जिहड़ा कोर्स होंदा वह ग्रैजुएशन मनी जाऊगी। तुसी 1-2 साल का डिप्लोमा करके अगर दिखाओगे दैट इज नॉट ग्रैजुएशन अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम रूल्स, राइट। 3 ईयर मिनिमम डिग्री जिहड़ी कि पंजाब दे सर्टिफाइड कॉलेजेस तो होएगी, रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन तो कीती गई होएगी, दैट विल बी रिकगनाइज्ड। मेनली सारे कॉलेजेस एक्सेप्टेबल है मेनली, बट यह है कि 3-4 ईयर कोर्स तुसी कीता होना चाहिदा है ते उहदा प्रूफ होना चाहिदा है तुहाडे कोल, स्पेशली मेन्स दा जदों फॉर्म भरवाणगे तां उत्थे तुहाडे तों इह प्रूफ मंगिया जाएगा। इसलिए तुहानूं मेन्स च अलाउ नहीं कीता जाएगा इफ यू डू नॉट हैव ग्रैजुएशन कंप्लीटेड। तो प्री तो तुसी लिख सकते हो जिवें आपके लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज से तुसी प्री लिख पाओगे, बट ये मेक श्योर करना है कि मेन्स होने तो पहला पहला तुहाडा वो डिग्री पूरी हो जाए, राइट। नैशनैलिटी तो आई डोंट थिंक तुसी इंडियन ही है, सारे जो देख रहे हैं अगर नेपाली सिटीजन हो भूटानी सिटीजन हो स्टिल यू आर यू नो एलिजिबल फॉर राइटिंग पंजाब पीसीएस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेन एवर वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस आप इंडिया नेपाल इंडिया भूटान के रिलेशंस पढ़ते हैं, देयर दिस पॉइंट यू कैन वेरी वेल यूज। जब मैं बच्चों को पढ़ानी आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, वी हैव अलाउड नेपाली सिटीजन्स भूटानी सिटीजन्स टू वर्क इन इंडिया, यू नो वी ट्रीट दैम इक्वली एज इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। नैशनल ट्रीटमेंट वी गिव टू दैम क्योंकि साढ़े रिलेशंस उन्होंने बहुत अच्छे है, वी वॉन्ट टू डेवलप गुड टाइज विद नेपाल एंड भूटान, सो वी हैव ऑल्सो अलाउड देयर सिटीजन्स टू फ्रीली work in Indian services as well, even in the government services, in the bureaucracy of India. That is the kind of soft power that India has with these countries. ठीक है, so एक concept तो अनुवेद नाल नाल पढ़ा देता, right? This is not relevant. Attempts का मैं एक बार दोबारा दस देनी है, general category दे 6 attempts है, backward class ले 9 attempts है total, scheduled class ले unlimited attempts है, SCs हो अगर तुसी पंजाब स्टेट दे unlimited attempts, एक्स सर्विस मैन लई 4 मैक्सिमम अटैम्प्ट्स है। आई थिंक वो इस तो बाद तो एज भी एक्सीड कर जाएंगे, 4 इज इनफ फॉर यू, राइट। सो 4 अटैम्प्ट्स यू कैन टेक अप इफ यू आर एन एक्स सर्विस मैन, राइट। सो दीज आर बेसिकली द कंडीशंस। इस तो बाद देखो एलिजिबिलिटी जड़ी है तुहाडी फिजिकल फिटनेस चेक करी जाएगी, दैट हैपन्स आफ्टर यूर मेन्स एग्जामीनेशन। अगर यू आर सीरियसली इंट्रस्टिड इन गैटिंग इन टू पुलिस सर्विसिज, तुसी डीएसपी जेल विच जाना चाहते हो, दैन यू हैव टू इंश्योर कि तुहाडी फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी होवे। मुंडिया लई 1600 मीटर की रेस जिहड़ी है भजनी पैंदी है, मतलब नंबर ऑफ क्राइटीरियाज आर देयर, वन इज रेस जिदे विच 1600 मीटर मुंडिया नू 800 मीटर कुड़िया नू भजना पैंदा है विद इन अ टाइम लिमिट। 7.5 मुंडिया नू मिलदा है, 4.5 मिंट जिहड़े है कुड़िया नू मिलदे है टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। दैट इज द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू डू। अगर तुसी उत्थे भज नहीं पाते हो तो तुसी उसी राउंड च बाहर हो जाने हो, दिस इज कंपलसरी, फर्स्ट राउंड इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। हू दोज हू डू नॉट क्वालिफाई दिस राउंड दे आर kind of disqualified for all the Punjab services, ठीक है। इस तो बाद हाई जंप ते लोंग जंप इन दोनों चो तुहानू एक ऑप्शन हुंदी है, राइट। तुसी इन दोनों चो कोई भी क्वालिफाई कर लो, 3-3 अटैम्प्ट तुहानू मिलनगे, इन दोनों चो कोई भी क्वालिफाई कर लो, यू विल गैट थ्रू दिस स्टेज। फाइनली शटल, शटल रेस मतलब एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तुसी रिपीटेडली भजना है विद इन टाइम लिमिट, एग्जैक्टली टाइम लिमिट मैंने इस टाइम ते याद नहीं है, थे मैंशन भी नहीं है, सो सम टाइम लिमिट इज देयर। ऑलमोस्ट 5 राउंड लगाने होंगे है तुसी फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक ही अटैम्प्ट चे कवर करना है। हाई जंप लोंग जंप लई तां तुहानू 3 अटैम्प्ट्स मिलनगे, बट रेस लई ते शटल लई तुहानू एक ही अटैम्प्ट मिलेगा, राइट। दिस इज ईजी, फर्स्ट ते लास्ट पार्ट जिहड़ा ईजी हुंदा, जिहड़ा जंप्स दा पार्ट है वो डिफिकल्ट है। लोंग जंप तो मोस्टली किसी तो भी नहीं होंगी है, काफ़ी डिफिकल्ट होंगी है। हाई जंप जी वो काफ़ी पॉसिबल है ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड, अगर तुसी एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया बिफोर फिजिकल दैन यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट, दैट इज फॉर श्योर, राइट। और रनिंग भी जी फर्स्ट रेस है वह भी काफ़ी डिफिकल्ट होंगी है, सह लैन की प्रॉब्लम आती है बच्चों, आई हैव एक्सपीरियंसड इट, बट अगर तुसी प्रैक्टिस की है, आई ऑलसो प्रैक्टिस्ड फॉर अ मंथ और 20 डेज, सो आई वॉज गुड टू गो, आई वॉज एबल टू क्लियर इट, ठीक है। तो मतलब क्या है, एटलीस्ट मेन्स तो बाद महीना 1.5 महीना फिजिकल शुरू कर दियो ऑफ द फुल ऑन, वैसे इन्ना टाइम दिंदे नहीं है वो,
इंटरव्यू तो बाद साढ़े यू नो इंटरव्यूज के बिच ही साड़ी डेट आ गई सी, हरे अद्धे बच्चों के इंटरव्यूज पे से एंड बिच ही उन्होंने फिजिकल डिकलेयर करते, मतलब तुसी आज फिजिकल दे रहे हो कल तुहाडा इंटरव्यू हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है। सो पीपीएससी इज लाइक यू नो अल्टीमेट अनसर्टेनिटी, यू कैनॉट एक्सपैक्ट एनीथिंग, सो सिस्टमाइज्ड। वैसे भी 16 दिन आई थिंक 16 दिन ही दिते से फिजिकल प्रिपेयर करने, फिजिकल भी क्या प्रिपेयर करना, मतलब साढ़े इंटरव्यू भी शुरू हो गए से, सानू 16 दिन पहला ही नोटिफाई किया गया से कि इस डेट तो फिजिकल शुरू है, राइट। सो थोड़ा इसीलिए सरप्राइजेस काफी ज्यादा होंगे इस विच, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मच बिफोर द टाइम, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, जीएस कोर्स और एनी अदर असिस्टेंस दैट यू नीड फॉर अस फ्रॉम अस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8837604500। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।